भी आप देख रहे हैं शिल्पी की रसोई। आज हमारे रसोई में दोस्तों बैंगन और आलू का भुजिया बनने जा रहा है, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगा दोस्तों। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा आपको। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने कढ़ाई ले ली हूँ दोस्तों, कढ़ाई हमारा गर्म हो गया, तो मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल। तो मैं डाली हूँ सरसों का तेल, उसके बाद थोड़ा सा सरसों, पीला सरसों है, उसके बाद 5-6 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्ची, सभी चीज़ अच्छे से चटक गए हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ आलू का बैंगन, अच्छे से चला रही हूँ इसको। अच्छे से चलाने के बाद मैं इसको ढक दूँगी। बैगन को मैं 2-3 मिनट तक अच्छे से भून लूंगी। दो तीन मिनट तक अच्छे से मैंने इसे भून लिया है बैगन आलू को। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। इसके बाद ये हमारा पिसा हुआ मसाला, इसमें है धनिया, जीरा, सरसों, काली मिर्च, अदरक, लहसुन और सूखा मिर्च। तो मसाला को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मसाला डालने के बाद इसको 2-3 मिनट तक मैं ढक के पकाऊंगी, ताकि हमारा मसाला अच्छे से पक जाए धीमी धीमी आंच में। तो चलिए 2-3 मिनट तक इसको अच्छे से मैं पका लेती हूँ ढककर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दो से तीन मिनट हो गए हैं, अब देख सकते हैं ना।